हेलो गाइस दिस इज नवनीत महान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ उर्द मूंग एंड ग्राम एंड देयर मैनेजमेंट गाइस उर्द मूंग और ग्राम ये तीनों ही लेगमेनेस क्रॉप हैं दलहनी फसल हैं पल्सिस क्रॉप हैं ये सारे के सारे पल्सिस क्रॉप बहुत सारे अबाउट हंड्रेड्स ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट स्पीसीज अफेक्ट द क्रॉप लेकिन हम कुछ मेजर इंसेक्ट पेस्ट के बारे में हम बात करते हैं जिसमें से फर्स्ट है रेड हेडेड हेरी कैटरपिलर पिलर या फिर रेड हैरी कैटरपिलर पिलर रेड हेरी कैटरपिलर पिलर दो स्पीसीज दिखाई देते हैं दो स्पीसी सामने आते हैं वो है एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा और एमसेक्टा मोरी जो कि ऑर्डर लैपटॉप और फैमिली आर के मेम्बर्स हैं गाइज़ हम पहले बात कर लेते हैं एमसेक्टा सेक्टा की एमसेक्टा सेक्टा का जो एडल्ट है ये मीडियम साइज्ड होते हैं मीडियम साइज के मोथ होते हैं जिनका विंग स्पैम लगभग दो सेंटीमीटर चौड़ा होता है इनका फोर विंग सफ़ेद कलर का होता है जिसमें भूरे रंग के स्ट्रिक्स बने हुए होते हैं भूरे रंग के धारियाँ बनी हुई होती है येलो स्ट्रिक्स अलॉन्ग द एंटेरियर मार्जिन ऑफ द फोर विंग फोर विंग के एंटेयर मार्जिन पे येलो कलर के धारियाँ बनी होती है और पिछली जोड़ी जो, जो पंख होती है उसमें ब्लैक कलर के डॉट्स बने हुए होते हैं गाइज नेक्स्ट है एमसेक्टा मूरी एमसेक्टा मोरी रेड हेरी कैटरपिलर का दूसरा स्पीसीज है जिसके फोर विंग फोर विंग और हाइंड विंग दोनों में ही डार्क रेड कलर के मार्जिनस बने होते हैं फोर विंग एंड विंग आर वाइट एंड कलर विथ डार्क मार्जिन इनके दोनों ही पंख के किनारे पे डार्क रेड कलर के मार्जिन होते हैं अ प्रोमोनेंट रेड बैंड इज फाउंड ऑन द हेड उनके हेड पे ही प्रोमोनेंट रेड बैंड्स पाए जाते हैं और ये नॉर्थ इंडिया के बहुत ही मेजर पेस्ट हैं एमसेक्टामोरी जो स्पीसीज है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अगर इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका लाइफ साइकिल लगभग 60 डेज में कंप्लीट होता है जो एडल्ट होते हैं वो ग्रुप में अंडे देते हैं इनके अंडे का कलर क्रीमी वाइट होता है जो कि तीन से चार दिन में हैच हो जाता है एक फीमेल अपने पूरे जीवन काल में लगभग 600 से 700 अंडे देती है मैक्सिमम अंडे 2000 तक देखा गया है 2000 तक एक फीमेल अंडे देती दे चुकी है बट एवरेज 600 से 700 अंडे एक फीमेल अपने पूरे लाइफ साइकिल में देती है तीन से चार दिन बाद हैचिंग होने के बाद फर्स्ट इंस्टार लार्वा निकलता है जो कि 25 से 30 दिन तक लगभग 25 से 40 दिन तक प्लांट्स पे फीड करते हैं इन 25 से 40 दिनों के बीच में ये लार्वी लगभग सात इंस्टार अपना कंप्लीट करके प्यूपेशन में चले जाते हैं इनका प्यूपल पीरियड 9 से 10 दिन का होता है और ये अर्दन प्यूपा बनाते हैं इनके नेचर ऑफ डैमेज या डैमेजिंग सिम्टम्स की बात करें तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये फोलियज को खाते हैं दैट मीन्स प्लांट के लीफ्स को खाते हैं जो यंग लार्वी होते हैं ये हरी पत्तियों को स्क्रब करके स्क्रैच करके आ, उसके ग्रीन स्ट्रक्चर को खाते हैं और पूरे लीफ को स्क्रेटनाइज कर देते हैं इसके बाद बड़े होने पे ये लार्वे पूरे पत्ती को आ, खा के नुकसान पहुंचाते हैं इनके जो अल्टरनेट होस्ट हैं वो है सोरघम कॉटन रागी कैस्टर काउपी सनफ्लावर सिस्टेमम एट्सेट्रा ये जो रेड हेरी कैटरपिलर होते हैं ये पॉलीफेगस होते हैं और सीवियर अटैक होने पे या सीवियर जो फील्ड बहुत ज़्यादा अटैक होता है वो पूरी तरह से कैटल से ग्रेज किया हुआ दिखाई देता है दैट मीन्स ये पूरी तरह से वेजिटेशन को नष्ट कर देते हैं ज नेक्स्ट है बिहार हेरिकेटर पिलर बिहार हेरिकेटर पिलर और रेड हेरिकेटर पिलर में माइनर डिफरेंस है बिहार हैरिकेटर पिलर स्पाइलोजोमा ओब्लिकवा ये भी फैमिली आर्टिडी ऑर्डर लैपटॉप के मेम्बर होते हैं इनके जो एडल्ट होते हैं वो मीडियम साइज होते हैं मोथ जो होता है पेल बफ कलर के उसमें ब्लैक स्पोर्ट्स बने हुए होते हैं और इनका जो लार्वी होता है वो पूरी तरह से ब्लैक हेयर से ढके हुए होते हैं इनका जो एग है वो लगभग तीन से चार दिन में हैच होता है जो फीमेल होती है वो ग्रुप में अंडे देती है रेड हेरी कैटरपिलर पिलर की तरह ही लगभग 500 सौ से तेरह सौ अंडे एक फीमेल अपने पूरे जीवन काल में देती है इनके जो फुली ग्रोन लार्वी होते हैं वो हेयर से रोम से पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और इनका जो लार्वल पीरियड है लगभग 20 से 25 दिन का होता है इसके पश्चात ये भी अर्दिन प्यूपा बनाते हैं और इनका प्यूपल स्टेज लगभग 25 से बीस सॉरी 15 से 20 दिनों का इनका प्यूपल स्टेज होता है ये जो इंसेक्ट होते हैं बिहार हेरे कैटरपिलर इनका टोटल लाइफ साइकिल लगभग पैंतालीस से साठ दिन में कम्प्लीट होते हैं इनके नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो अर्ली स्टेज जो आ, अर्ली स्टार जो लार्वे होते हैं आ, वो बिहार सॉरी रेड हेरी कैटर पिलर की तरह ही पत्तियों से ग्रीन मैटर को स्क्रैप करके पूरी तरह से खाते हैं और आ, पत्तियों को स्क्रटनाइज कर देते हैं लेटर लार्वे बड़े होने पे पूरे वेजिटेशन को नष्ट कर देते हैं द ग्रोन लार्वी फीड ऑन इंटायर लिप्स जिंग डिफोलिएशन इनके बिहार हेरिकेटरपिलर या फिर रेड हेरिकेटरपिलर दोनों ही इंस्टेट का जो मैनेजमेंट है लगभग लग सेम है क्योंकि Uh, दोनों का डैमेजिंग नेचर सेम होता है इनका फीडिंग बिहेवियर भी सेम होता है लाइफ साइकिल भी लगभग सेम ही होता है इसलिए इनका मैनेजमेंट सेम ही करते हैं इनके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमको डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं ये अर्दन प्यूपा बनाते हैं जो नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन तक फील्ड में बने हुए होते हैं उसके अलावा अवॉइड प्री मानसून शोइंग प्री मानसून शोइंग को हमको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि प्री मानसून शोइंग करने से मानसून uh, आने के तुरंत बाद ये इंसेक्ट एक्टिव हो जाते हैं और उस समय वेजिटेशन होने पे ये वेजिटेशन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं यूज़ ऑप्टिमम सीड रेट बहुत ज़्यादा सीड रेट होने पे प्लांट बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं जिससे कि ये इन इंसेक्ट्स को ट्रांसमिशन में बहुत ही बहुत जल्दी ट्रांसमिट कर जाते हैं एडिक्एट प्लांट स्पेसिंग सूड भी प्रोवाइडेड कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स और यंग लार्वी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके एक्स ग्रुप में होते हैं और ग्रुप में एक्स होने के कारण इनका इनके एक का हैचिंग भी सेम टाइम पे होता है जिस वजह से इनके लारवी भी ग्रुप में होते हैं तो इनको आसानी से आ, फिजिकल फिज़िकली कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इसके अलावा फील्ड सैनिटेशन कर सकते हैं रिमूवल ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट्स एटसट्रा uh, इसके अलावा लाइट ट्रैप हम इंस्टॉल कर सकते हैं फील्ड पे लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं ये इनके मोत एडल्ट एडल्ट मोत जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं जो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं इसके अलावा कुछ केमिकल uh, इंसेक्टिसाइड्स हैं जस्ट लाइक क्लोरपाइफास्राइजोफास क्विनोल फॉस्ट एट्सट्रा इन सभी का हम इस्प्रे कर सकते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट है टोबैको कैटरपिलर टोबैको कैटरपिलर ऑर्डर लेपडोपटेरा फैमिली नोकटी के मेंबर होते हैं साइंटिफिक नाम है स्पोडोपटेरा लिटोरा गाइस इस्पोर लिटोरा जो होते हैं ये मीडियम साइज मौत होते हैं जिनका विंग इस पैम के साथ लगभग uh, एक दशमलव पाँच सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है दैट मीन्स इनका साइज जो है एक डेढ़ सेंटीमीटर का होता है इनका फ्रंट विंग ब्राउन कलर का होता है जिसमें जिक जैक व्हाइट मार्किंग्स होते हैं वाइट कलर के जिग जैक मार्किंग्स होते हैं उस आ, अगर हाइंड विंग की बात करें तो इनका हाइंड विंग वाइट कलर का होता है जिसपे ब्राउन पैचेस बने हुए होते हैं ये जो इंसेक्ट हैं ये भी अंडे मास में देते हैं एक साथ ग्रुप में अंडे देते हैं झुंड में अंडे देते हैं जिसको आ, जो फीमेल है अपने एनल हेयर से ढक के आ, एनल हेयर से ढक देती है जिससे कि एनवायरमेंटल फैक्टर या अदर प्रिडेटर से बचा रहे आफ्टर दिसंबर पार्टिकुलरली आफ्टर हैवी रेन ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आ, रेनी सीजन के बाद में इनका अफेक्ट ज़्यादा होता है जो लार भी होते हैं फाइटोफेगर्स होते हैं और ये बहुत सारे वेजिटेशन पे ये पॉलीफेगर्स होते हैं हर प्रकार के वेजिटेशन को खा सकते हैं ये मेनली मेनलीगमिनेश क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उसके अलावा वेजिटेबल्स को जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर या कैबेज ये भिंडी बरबट्टी हर चीज़ को खाते हैं इसके अलावा ये राइस और वीट को भी नुकसान पहुंचाते हैं कोई भी लेपिडोप्टेराइड इंसेक्ट्स के जो एडल्ट होते हैं वो आ, प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि उनका जो माउथ पार्ट्स होता है वो साइफनिंग टाइप होता है इसीलिए लेपिडोपटेरायड इंसेक्ट्स के जो लार्वी होते हैं यही पॉलीफेगस पोल, पोलिफेगस होते हैं और फाइटोफेगस भी होते हैं जो कि आ, हर प्रकार के इंसेक्ट्स को सॉरी हर प्रकार के वेजिटेशन को खा सकते हैं आ, इनके नेचर ऑफ़ डैमेज की बात करें तो जो अर्ली इस्टार जो लार्वी होते हैं ये लीफ के क्लोरोफिल टिश्यू को खा के आ, जो लीफ होते हैं उसको इसकेंट्राइज करते हैं लेटर ये बड़े होने पे पूरे लीफ को पूरे लीफ को ही फीड कर जाते हैं द लार्वी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इंशार एंटर द ग्राउंड फोड बाई मेकिंग अ होल नीयर कैलिक्स एंड फीड ऑन ग्राउंडनट सीड ये जो इंसेक्ट होते हैं ये ग्राउंडनट सीड को भी नुकसान पहुँचाते हैं ग्राउंड के अंदर घुस के नेक्स्ट इंसेक्ट इज ग्राम पोर्ट बोर ग्राम पोर्ट बोर दैट मीन्स हेलीकूवरपा आर्मी जेरा ये भी ऑर्डर लेपटॉप टेरा फैमिली नॉकटिडी के मेम्बर होते हैं ये मीडियम साइज इंसेक्ट होते हैं इनका जो कैटरपिलर होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है मोस्टली ये जो इंसेक्ट होते हैं ये अक्टूबर नवंबर में दिखाई देते हैं हेलिकोर्पा पर आर्मी जेरा ही पॉलीफिगस पेस्ट होते हैं जो हर प्रकार के वेजिटेशन को खा सकते हैं मेनली लेग्युमिन क्रॉप जस्ट लाइक ग्राम पी पीजन पी एट्सट्रा उसके अलावा ये टोमेटो और पोटैटो ब्रिंजल ओकरा कॉटन मेज एट्सट्रा सभी प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं इनके मैनेजमेंट के लिए न, हमको ट्रैप या आ, लाइट ट्रैप का फील्ड में इंस्टॉल करना चाहिए इसके अलावा बर्ड परचेस का यूज़ कर सकते हैं हम ग्राम के फील्ड में बर्ड परचेस यूज़ कर सकते हैं जिससे इनका प्रीडेटर इनके जो प्रीडेटर बर्ड्स होते हैं वो फील्ड में आ सकें और इन पे फीड कर सकें हैं। हैंड पिकिंग ऑफ ग्रोन अप लारवी एंड ब्लिस्टर ब्लिस्टरब्यूट हम इनका हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं उसके अलावा माइक्रोबेल इंसेक्टिसाइड्स इन, जस्ट लाइक एनपीवी न्यूक्लियर पोलीहाइड्रोसिस वायरस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इनका इन्फेस्टेशन हो तो उस कंडीशन में हमें कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग करना चाहिए जस्ट लाइक डाइक्लोरवास डाइक्लोरवास सेवेंटी सिक्स डब्ल्यू एस एम एल पर हेक्टेयर के आ, दर से हम के हमको छिड़काव करना चाहिए नीम सीड करनाल एक्सट्रेक्ट 5% परसेंट को भी हम आ, फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं उसके अलावा नीम ऑयल 12.5 लीटर पर हेक्टेयर के दर से हम स्प्रे कर सकते हैं गाइस नेक्स्ट इंसेक्ट है पी पोट बोरर इटीला जिंकिनेला गाइस पी पोट बोरर इटी जिंकिनेला ये भी पॉलीफेगस पेस्ट है जो कि रेड ग्राम होश ग्राम और हर प्रकार के पल्सिस क्रॉप में ये आक्रमण करता है मेनली पी पोट बोरर पी और ग्राम पी ग्राम मूंग और उर्द में अटैक करते हैं उसके अलावा सनहैम और ग्रीन मैनर क्रॉप में भी ये अटैक करते हैं लार्वी फीड ऑन फ्लोरल पार्ट न्यूली फॉर्म पोड एंड सीड इन डेवलपिंग पोड्स। गाइज इनका जो लार्वी होता है वो ग्रीनिश कलर के होते हैं जो कि प्यूपेशन से जस्ट पहले पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं पिंक कलर के हो जाते हैं इट फाइव ब्लैक ऑन द प्रोथोरिक्स इनके प्रोथोरिक्स पांच ब्लैक होते हैं इनका जो एडल्ट होता है वो ब्राउनिश ग्रे कलर के होते हैं प्रोथोरिक्स ऑरेंज कलर के होते हैं और इनके फोरविंग्स uh, जो हैज फोरविंग वाइट स्ट्रिप अलोंग द एंटीरियर मार्जिन ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका लाइफ साइकिल भी लगभग थर्टी टू फोर्टी फाइव डेज में कंप्लीट हो जाता है इनका जो मैनेजमेंट है वो ग्राम कैटरपिलर या फिर हेलीकॉपरपा आर्मी जेरा की तरह ही किया जाता है मैंने लास्ट वीडियो में हेलीकॉपरपा आर्मी जेरा के बारे में आ, उनके मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताया था आप उसके लिए लास्ट वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं गाइस नेक्स्ट इंसेक्ट इज ग्राम कटवॉम ग्राम कटवॉम इसको लोकल लैंग्वेज में कटवॉर्म के नाम से ही जाना जाता है ये इंसेक्ट भी पॉलीफेगस होते हैं ये भी ऑर्डर लैपडोपटेरा और फैमिली नॉकटी के मेम्बर होते हैं इनका साइंटिफिक नेम है एग्रोटिस एग्रोटिस फ्लेमेट्रा। ये जो इंसेक्ट है इंडिया के अलावा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड श्रीलंका नेपाल भूटान और ऑल एशियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं इनका होस्ट रेंज बहुत ही ब्रॉड होस्ट रेंज है य, ये सीरियल क्रॉप पल्स क्रॉप ग्रासेस और बहुत सारे वीड्स पे भी अटैक करते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इन आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आ, इनका जो एग है येलोइश वाइट व्हाइट कलर के होते हैं और लार्वा डार्क ग्रे कलर के होते हैं एडल्ट काफ़ी बड़े हैवी बॉडीड ग्रेस ब्राउन कलर के होते हैं आ, इनका जो लाइफ साइकिल है ये बहुत ही शॉर्ट होता है साल में बहुत ज़्यादा पूरे ईयर एक्टिव नहीं होते कुछ समय दिखाई देते हैं बाकी समय ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चले जाते हैं द पेस्ट इज एक्टिव फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल देन उसके बाद ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चले जाते हैं द मोथ अपेयर इन अक्टूबर एंड ले अपू नाइन हंड्रेड एग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लिप्स सूट्स स्टेम्स और इन सॉयल्स द एग हैच इन वन वीक डरिंग समर एंड इन टू वीक्स डूरिंग विंटर ये जो इंटर आ, जो एग्स हैं ये लगभग सात से पंद्रह दिन में हैच होते हैं और जो लार्वी होती है वो चार से सात वीक तक आ, चार से सात वीक तक ये प्लांट्स पे फीड करते हैं उसके बाद ये दो सप्ताह के लिए प्योपेशन में चले जाते हैं ये जो इंसेक्ट होते हैं ये भी अर्दन प्यूपा बनाते हैं इसके पश्चात अर्दन प्यूपा बनाने के पश्चात ये आ, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जनरली इनका साल में दो ही जनरेशन कंप्लीट हो पाता है उसके बाद ही हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में दैट मीन्स डायपोज में चले जाते हैं इनका जो डैमेजिंग नेचर है कुछ इस तरह से है कि जो कैटरपिलर होते हैं जो न्यूली हेज कैटरपिलर होते हैं वो पहले पत्तियों को स्क्रब करके खाते हैं लेटर वो आ, प्लांट के स्टेम को नीचे से कट कर देते हैं द कैटरपिलर कम आउट फ्रॉम देयर ब्रीडिंग प्लेस एट नाइट एंड बिकम एक्टिव कटिंग डाउन द यंग प्लांट ऑफ ग्राम वेजिटेबल्स सीडलिंग्स एट्सट्रा जस्ट एबव और स्लाइटली बिलो द सोयल सरफेस ऑफ द सोयल जो कट वाम होते हैं वो अर्ली स्टेज में लीफ को स्क्रब करके खाते हैं बट थोड़े से बड़े होने पे नाइट में एक्टिव होते हैं और प्लांट को नीचे से उसके स्टेम को कट कर जाते हैं आ, इनके कंट्रोल के लिए हमको हैंड होइंग करना चाहिए क्लीन कल्टिवेशन शूट बिडन उसके अलावा डीप समर प्लोइंग, डीप समर प्लोइंग अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द इंसेक्ट्स द बेट इज़ प्लेस्ड इन स्मॉल हीप इन द इनफेस्टेड फील्ड इन द इवनिंग बिकॉज ये जो इंसेक्ट होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं नाइट में ही एक्टिव होते हैं इन इसलिए इनका बेट हमको इवनिंग के समय लगाना चाहिए मैकेनिकल कंट्रोल में हम ट्रैपिंग कर सकते हैं लाइट ट्रैप या फिर हैंड uh, पिकिंग कर सकते हैं या फेरमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम uh, कुछ प्रीडेटर्स से पैरासिटॉइड्स हैं जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा या ब्रैकोनिट्स एट्सेट्रा इनका हम यूज़ कर सकते हैं और एन जैसे माइक्रोबियल uh, इंसेक्टिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं केमिकल कंट्रोल में हम साइपर मैथ्रीन मोनोक्रोटोफास uh, या फिर इस तरह के ऑर्गेनोफास्फेट ग्रुप के किसी इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं गाइज आज के लिए बस इतना ही थैंक यू